हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस पर। आज के सेशन में कुछ बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग दो में इंग्लिश के लिए क्या किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्योंकि यूट्यूब पर हम लोग रोज़ 9 बजे से 10 बजे के बीच में मिलते ही रहते हैं, तो वहाँ पे भी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि श्योर शॉर्ट इंग्लिश में हमारे पूरे मार्क्स आएँ, कुछ भी कटौती ना हो हमारे मार्क्स में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं जब तक आपकी प्रिपरेशन चल रही है तब तक के लिए। तो कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखें, अपना जो सिलेबस है ना उस सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश को ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला ग्रामर, और ये जो हर एक पार्ट है ना, इस हर एक पार्ट पर आपको रोज थोड़ा थोड़ा काम करते चलना है। तो इससे क्या होगा कि आप डीमोटिवेट भी नहीं होंगे और उसके बाद में आपकी जो प्रिपरेशन है वो हर पोर्शन में बराबर बराबर होती जाएगी। तो सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। सेकंड, अब ग्रामर क्या होता है, तो ग्रामर ऑब्वियस ही बात है आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टेंस होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, नरेशन होता है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा जो भी ग्रामर के पोर्शन में आता है। ठीक है, ये हुआ ग्रामर वाला पार्ट। सेकेंड वाला जो पार्ट है आपका, वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें मैं बेसिक ग्रामर बता रही हूँ, ठीक है, ये बेसिक ग्रामर था आपका। दूसरा जो आया वो आया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाला पोर्शन। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ना बहुत सारे पार्ट का होता है, इसका बहुत सारा पार्ट तो आप ग्रामर में पढ़ लोगे, जैसे TOO और टू, एक्टिव पैसिव वॉइस को कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप वहीं पे पढ़ लोगे। लेकिन आपके स्पेशली जो सेंटेंसेस होते हैं ना, क्या हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में, कंपाउंड को सिंपल में कैसे करते हैं, उसी प्रकार से हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स को हम लोग सिंपल में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करना। उसके बाद आएगा आपका यहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में आ जाते हैं आपके एलिट्रेशन क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, सिमिली क्या होता है, उसके बाद में वेरियस चीजें, सोनेट क्या होता है, कितने टाइप की सोनेट होती हैं, एक सोनेट में कितने स्टैंजास होते हैं, ऑक्टेव्स क्या होता है, ये सारी जो है वो अपना शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, स्पेंसेरियन सोनेट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, राइम क्या होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, फिगर्स ऑफ स्पीच में आएंगी। ठीक है, और चौथे पोर्शन पर मैं रख रही हूँ पैडागॉजी। अब क्या होगा, ये अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी तक हमें एग्जैक्टली में सिलेबस नहीं पता है कि क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए। तो जब हम अपने स्तर पर पढ़ते हैं ना, तो हम फिर कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास में अथाह अमाउंट ऑफ टाइम है और अपने स्तर पर पढ़ना है बिना कोई सिलेबस आए, तो हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हर एक पोर्शन हमारा बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए। तो जब मजबूत करना है पोर्शन को, तो इकट्ठा पढ़ने की बजाय अगर आप उसे पार्ट्स में, चंक्स में बांट लोगे और एक एक पार्ट पर वर्क करते जाओगे, तो एग्जाम में गलती होने की गुंजाइश आपकी ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चौथा पोर्शन आपका कौन सा था, पेडागॉजी। और एक और पोर्शन मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी जो कि है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला। तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये ऑब्जर्व किया, जो हमारी एमसीक्यू बैच वाली क्लासेस चलती हैं, उसके बाद चयन परीक्षा की जो पूरी थ्योरेटिकल क्लास चलती है ऑनलाइन, ये सभी क्लासेस में मैंने एक बात बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की कि बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो हम सॉल्व कर लेंगे, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन वो लोग गलत कर रहे हैं। तो आप ये गलती मत करिएगा, ये 5 पोर्शन में आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरा पेडागॉजी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं पता है, तो ओवरऑल मैं पेडागॉजी को ना अभी साइड में रख दूंगी, मैं 4 पोर्शंस पर वर्क करूंगी पेडागॉजी के, बस मैं बेसिक बेसिक क्वेश्चंस रोज सीखती जाऊंगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स वाले। उसके बाद में मान लीजिए कि मुझे ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, लेकिन मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अच्छा नहीं है, तो मैं सबसे ज्यादा वर्क इस पर करूंगी। तो अब आपको मैंने 5 टॉपिक्स दे दिए यहाँ पर, एकदम अलग अलग करके सेग्रीगेट करके दे दिए यहाँ पर। आपको खुद की स्ट्रेटेजी अब यहाँ पर बनाना है कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, किस पर ज्यादा एफर्ट्स आपको लगाना है, ये आपको खुद को पता है। और बाकी आप YouTube पर हमारे साथ में जुड़ के रोज़ तैयारी कर सकते हो। तो रोज़ सुबह 9 बजे MP उत्कर्ष चैनल, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पर सुबह 9 बजे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लाइव क्लास में हम लोग जुड़ते हैं, तो उस लाइव क्लास में हम इन सभी पोर्शन को कवर करके चलते हैं। वर्ग एक में जो जो पूछा जा चुका है उस पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करके चलते हैं और हम इन सारे पोर्शन पर एक एक करके वर्क करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के एक बजाय यहाँ पर हम लोग पैराजम्बल के क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो रीडिंग वाला वो भी वाला भी पोर्शन हो जाता है। तो आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देखना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमपीटेट वर्क 2 के लिए, तो एक तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आपकी प्रिपरेशन करनी है। तो रोज सुबह 9 बजे हमारे साथ में जुड़ जाया करो। तो अगर आपको अलग से नहीं पढ़ना है
ना, तो आप हमारे साथ भी अगर 1 घंटा वो स्पेंड कर लेंगे तो आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा कि ये कमियां हैं भाई और इन कमियों पर वर्क करना है। और 1 घंटे की क्लास के बाद में आज मुझे 2 घंटे जो देना है घर पे, वो 2 घंटे मुझे इस पोर्शन पे देना है क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहा है। तो वहां पर मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी रोज बताती जाती हूँ, तो उससे रेगुलर जुड़े रहो, बेहतरीन तैयारी होती रहेगी। उसके अलावा आपको वहीं पर मैं बता दूंगी एमसीक्यू बैचेस वगैरह के बारे में। अभी के लिए 3 गुनी खुशी वाली एक खबर मैं आप लोगों को देती हूँ। तो 3 टाइम्स क्या खुशियां हैं भाई, एक तो स्वतंत्रता दिवस है, दूसरा डॉक्टर निर्मल गहलोत सर का बर्थडे है, और तीसरी जो खुशखबरी है वो है रक्षाबंधन। और ये तीनों खुशियों पर 3 गुना ऑफर्स लेकर आया है उत्कर्ष क्लासेस आप सभी के लिए। तो अगर स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो 78% का डिस्काउंट इसके उपलक्ष्य में मिल रहा है निर्मल गहलोत सर के बर्थडे के कारण। NG13 अगर आप कूपन कोड किसी भी कोर्स पर अप्लाई करते हैं ऑनलाइन किसी भी कोर्स पर, तो आपको कितनी छूट मिल जाएगी, 13% की एक्स्ट्रा छूट। 78% तो ऑलरेडी छूट मिल रही है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, 13% और एडिशनल छूट चाहते हैं तो NG13 कूपन कोड और लगा दीजिए, और अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो लगभग 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलने वाले रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। तो ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए एक ऑफर है 13 से 21 अगस्त के बीच में, और इस ड्यूरेशन में आप एमसीक्यू बैचेस को खरीद सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको रोज यूट्यूब की क्लास में बताती हूँ कि 400 रुपीज की एक एमसीक्यू बैच है, जिस एमसीक्यू बैच में 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। तो उस बैच को आप देख सकते हो, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहती है, तो बिल्कुल जैसा इंटरेक्शन यूट्यूब की क्लास में होता है ना, लाइव क्लास में वैसे का वैसा इंटरेक्शन वहाँ मिलता है। आप खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करके के बताते हैं, जहाँ गलती करते हैं वहाँ पर मैं आपकी गलतियों को सुधारती हूँ, आप अपनी गलतियों को नोट डाउन करते हैं। तो इस तरीके से आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन होती है उस एमसीक्यू बैच में, केवल 400 रुपीज़ में अवेलेबल है। अब आप 400 रुपीज़ में 78% प्लस 13% डिस्काउंट और लगा दो, और आप कैलकुलेट कर लो कि कितने में आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही सस्ते में आपको इतने बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो उस बैच को आप अवेल कर लो। ये जो ऑफर है आपका, ये केवल 13 से 21 के बीच में है। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने अभी तक एमपीटेट वर्क 2 के बारे में, तो आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपको थ्योरी भी पढ़ना है, आपको क्वेश्चन भी करना है, आपको तो सब कुछ करना है, तो आपके लिए चयन परीक्षा वाला भी एक कोर्स है, जिसमें क्लास मेरी लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहती है 10:15। तो अभी वो क्लासेस चल रही हैं, जल्दी ही उसमें सिलेबस फिनिश होने वाला है, तो फिनिश हो जाएंगी फिर आपको रिकॉर्डेड वो क्लासेस मिलेंगी, उनको भी आप अवेल कर सकते हो। ये सब कुछ आपको कहाँ मिलने वाला है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर ये सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स वगैरह लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।